वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं निजाम, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में और मार्केट के अपडेट के बारे में। मेक श्योर वीडियो जो अंत तक देखिए, आप परिवार चैनल पे आए हम सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल कुट करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया BTC अभी चल रहा है 37,600 का राउंड, देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला है BTC के अंदर। कहीं ना कहीं एक डंप था लेकिन वहाँ से रिकवर किया, 2100 पार हो चुका है भैया इथेरियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और कहने के जो लोग डीमोटिवेट हो रहे थे उसके अंदर एक बार फिर से जान आना स्टार्ट हो गया। लोग जो है अब पॉजिटिव सोचना भी स्टार्ट कर गया, यहीं पर कुछ कॉइन फिर से रिकवरी यहाँ पर करना स्टार्ट कर गया जा दोस्तों। और कुछ जो बहुत ज़्यादा ऊपर गया लाइक दैट बॉम कॉइन बहुत ऊपर गया, काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया। अब थोड़ा सा करेक्शन तो बनती है लेकिन हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो हमें अफसोस नहीं होगा। अगर ये वापस से नीचे भी आ जाए तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा इसको फिर से ग्रैब करने का, तो मैं तो बैठा हूँ इसी इंतज़ार में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कॉइन हैं जिसके अंदर करेक्शन आए हैं, कुछ कॉइन्स हैं जिसके अंदर ग्रीनरी आया है, जो पहले पंप नहीं किया उसके अंदर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पंप भी देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहीं पर अगर बेबी डॉज कॉइन की बात करते हैं तो भाई डेली बेसिस पर यहाँ पर स्पाइक अप एंड डाउन या अगर हम बात करें कि मूवमेंट जहाँ बाय करके सेल कर सकते हो, बाय करके सेल कर सकते हो, बाय करके सेल कर सकते हो, डेली स्कैल्पिंग, जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अब, और ये होना भी चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यही में तो पहुँचा रहा। और ये बेबी डॉज कॉइन डेली बेसिस पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा भाई प्रॉफिट को ग्रैब करने का। यहीं पे अगर बात करें हमारा UFO गेमिंग, तो भाई स्काई रॉकेट की तरह उड़ रहा है हवा के अंदर। कुछ कॉइन में क्या बोला करेक्शन ले रहा लेकिन कुछ पंप है आज के डेट में, देखो यार 25% से पंप है, 514 से 2000 यानी कई गुना हो गया भाई, ये आपको 4 गुना प्रॉफिट दे चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, 4 गुना से भी ज़्यादा है। सोचो यार अभी थोड़ा सा मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ेज आया और इतना ज़्यादा है 4 गुना प्रॉफिट, जब बुल रन आएगा तो कितना गुना प्रॉफिट होगा आप ये सोचो यार। इसी तरह बेबी डॉज कॉइन भले ही आपको अभी नीचे दिख रहा है, UFO गेमिंग कितना नीचे दिख रहा था लेकिन जब बुलिश मोमेंटम आएगा ना तो भाई देखना कितना बड़ा हंगामा करेगा ये। और इसके पास तो भाई कम्युनिटी का पावर है, इसके पास दोस्तों एलन मस्क का पावर है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंट के अंदर अगर हम बात करें तो P2B क्रिप्टो एक्सचेंज पर ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग कंप्लीट की गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, नंबर ऑफ़ लिस्टिंग्स कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो भाई एलन मस्क का जब हाथ है अगर तो वो कॉइन इतना पीछे नहीं हो सकता, आपको पता है ना डॉज कॉइन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आने वाले टाइम के अंदर मुझे जैसा लगता है कि बेबी डॉज कॉइन को भी सातों आसमान पर लेके जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क और उसके अंदर ये क्षमता है, इतना कम्युनिटी को साथ में लेके चलते हैं कि वो ये चीज़ें कर सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर बेबी डॉज कॉइन, बैलेंस, क्रैकन, बड़े बड़े लेजेंडरी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर हमें और आपको देखने को मिल सकता है और आने वाले टाइम के अंदर प्रॉफिटेबल कॉइन भी यहाँ पर साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नो डाउट कि भाई आने वाले समय के अंदर ये यूज़ केस भी बढ़ाएगा, लाइक दैट चेस गेम आया और भी नए नए बड़े हेवी टाइप के गेम आएंगे, मेटावर्स टाइप के गेम आएंगे। इसके साथ साथ भाई इसका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर हम बात करें तो भाई ये चीज़ें रहा, उसके अंदर AI इमेज जनरेटर सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल किया है, तो भाई यूनिक चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये यूटिलिटी टोकन बनता जा रहा है, चीज़ों को डिलीवर कर रहा है भाई। सबसे बड़ा डिफरेंस दूसरे मीम टोकन से इसमें ये है कि ये चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, एक यूटिलिटी टोकन बन रहा है, मीम टोकन के साथ साथ अपना जो है ना छवि को जो है एक अगर हम बात करें यूटिलिटी टोकन की तरफ भी लेके जाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इजीली मुझे लगता है अगर 2 से 3 0 इवन अगर डिलीट भी हो जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट हम सभी को मिल जाएगा। और देखो यार, आप कोई $4 बोलता है किल करने का, कोई $1 का सपना, $2, भाई उतना टाइम तक आप रुकोगे? ईमानदारी अब बताओ, कमेंट करना यार। अभी जो कॉइन ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया लाइक दैट UFO गेमिंग 4 गुना प्रॉफिट दिया, जिस भाई ने 514-500 के अराउंड बाई किया होगा, 2000 क्या वो 1500-1700 आते ही प्रॉफिट को बुकिंग कर लिया होगा, सोचा होगा भाई अब वहाँ से नीचे जाएगा ये, और गया कहाँ 2000, और पता नहीं कितना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कोई आता पता नहीं है। तो ये चीज़ें होती है भाई, हम ह्यूमन है ना, हमारे अंदर एक आई थिंक बोलते हैं ना कि भाई एक पेशेंस नहीं होता भाई हमारे अंदर कि भाई पता नहीं आ जाएगा कि नहीं, भाई बुक कर लो। तो ₹1 तक अपने ही रुकोगे, $1 तक अपने ही रुकोगे, 2-3 0 क्लिक किया बस आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो, जो भी आया भाई आने दो, भाई कहीं डंप ना हो जाए, ये हमारा मेंटलिटी होता है। तो इसलिए उतना आराम से ये डिलीट करेगा और होल्डर करके रखना, होल्ड करके बिल्कुल रखना यार, डीट होल्डर की तरह मेरा जो मानना सोचना है, मैं तो यही कर रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या ओपिनियन है,
मेक श्योर अपना ओपिनियन भी जरूर कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी से मिलने के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल कुछ करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूरी फॉलो करना। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट में, इतना ही, गुड बाय।